हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ये मैंने खासतर बच्चों के लिए ही बनाया है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कि जब प्याज अगर मर्चा वगैरह पड़ता है तो वो इरिटेशन हो जाता है, उनको इरिटेट हो जाते हैं, बार बार उसको निकालो मम्मा, फिर हमको भी बहुत बार दिक्कत होती है। इतना टेस्टी बना था ना कि मैं एक चम्मच से रुक ही नहीं रही थी दूसरा वाला बार बार खा के, तो आई एम सॉरी इसके लिए, आई एम सॉरी। ये जो मैं पास्ता बनाई हूँ, मैं कुछ इस तरीके से बनाई हूँ कि मैंने क्या किया है कि जो मसाले होते हैं ना पास्ता के, जो मसाले होते हैं वो तो हम डालेंगे ही, लेकिन जो हरी मिर्च हम लोग पहले डालते हैं, प्याज डालते हैं, तो प्याज को हम साइड में रख देंगे, प्याज हम नहीं डालेंगे बच्चों के लिए। तो ये इतना टेस्टी बनाया ना कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हैं हम। बस आपसे इतना कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये मैंने पास्ता को देखिए उबाल लिया है, ये पास्ता उबल गया है, आप देख सकते हो। पास्ता उबालने के लिए गर्म पानी में नमक और थोड़ा पानी में, थोड़ा पहले ही नहीं दिखा पाई लेकिन मैं अगली बार ज़रूर दिखाऊंगी। और ये पास्ता मसाला है, मैंने क्या किया है हरी मिर्च और टमाटर को मिक्सर में पीस लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में इसको भूज रही हूँ, ये थोड़ा भूजने के बाद थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा, तो उसके बाद करछा लगा के हम लोग कर रहे हैं। जब ये बघर जाएगा, यहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा है साथ में, तो फिर उसके बाद ये पास्ता हम डालेंगे, इसमें पास्ता डालेंगे और फिर उसके बाद चला लेंगे जब तक ये क्रंची ना हो जाए। तो ऐसे ही बनाए तो बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी खाने में, अगर कम तीखा खाते होंगे तो कम तीखा बना सकते हो आप। और इसमें तो बार बार इरिटेशन होता है, मम्मा ये करो मम्मा वो निकालो, तो बच्चे के लिए ये बहुत सबसे अच्छा हेल्पफुल है पास्ता। तो प्लीज़ पास्ता ऐसे ज़रूर बनाएं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत उम्मीद मिलती है, काफ़ी बार मैं हार जाती हूँ कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर मैं उठ जाती हूँ कुछ करने के लिए, उम्मीद उठ जाती है मेरी, लेकिन फिर भी ठीक है। आप लोग का सपोर्ट धीरे ही धीरे मिलेगा मेरा, धीरे धीरे मैं कोशिश करती हूँ और वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाने की। थोड़ा सा पहली बार इंसान अगर कुछ कोशिश करता है तो थोड़ा धीरे धीरे ही होता है, तो मैं कहते हैं ना भगवान बोलते हैं सब्र करना सीखो, तो सब्र मैं करती हूँ, लेकिन भगवान से ये प्रे करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल में जितने भी लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देखिए पास्ता का मैंने से कि अब बच्चों को आप ऐसे ही दे सकते हो, वो बार